Today we are going to solve a very special question, very special. This one is a figure, and figure is resembling a aeroplane. यहाँ पे question क्या है? Radha made picture of an aeroplane by using papers of different colors. ये aeroplane है. Find the area of the paper used. अब कितना paper used हुआ? जितना भी paper used हुआ, we will find the area of the paper used. एरिया ऑफ पेपर यूज कैसे फाइंड करेंगे? वी विल फाइंड द एरिया ऑफ एरोप्लेन. जब एरोप्लेन का एरिया आ जाएगा देन वी कैन से दिस इज द एरिया ऑफ पेपर यूज्ड. तो यहां पे एक बात का ध्यान रखना है, दिस वन इज एरोप्लेन. इसके पार्ट्स कर दिए एरिया के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. सो वन बाय वन हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 सबको सॉल्व करेंगे. अब सॉल्व करने के लिए अगर हम फर्स्ट को देखते हैं, दिस इज 5. फर्स्ट पार्ट इज ट्राइंगल शेप्ड. जब ट्राइंगल शेप्ड है, टू साइड्स आर गिवन, थर्ड साइड हमें फाइंड करनी पड़ेगी. अब थर्ड साइड यहाँ कैसे फाइंड करेंगे? आप देख रहे हैं कि जो सेकेंड शेप है, सेकेंड शेप यहाँ पे एक रेक्टेंगल की शेप है. जब रेक्टेंगल है, जितनी ये साइड होगी उतनी ही ये साइड भी होगी सामने. इसका मतलब अगर इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने आप देखेंगे ये भी 1 सेंटीमीटर होगी. इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 सेंटीमीटर्स. नाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल. ओके, दिस वन इज ट्राइंगल एंड वी विल फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. तो कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड होगा? दिस वन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये भी आपने ध्यान रखना है. हमारे जो ट्राइंगल है, फर्स्ट पार्ट जो है, इन फर्स्ट पार्ट वी हैव अ ट्राइंगल, इन सेकेंड पार्ट वी हैव अ रेक्टेंगल. तो अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे आपके पास होंगे. ओके, देखते हैं. फर्स्टली, फर्स्ट पार्ट के एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? ए बी सी तीनों है हमारे पास. देखिए, इन फिगर 1 ऐसे सेपरेट करेंगे, एक को ए कंसिडर करेंगे, एक को बी और एक को सी. ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स. ओके, बी और बी है. सी, सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर्स. देयरफॉर व्हेन वी हैव लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स, देन वी कैन फाइंड द एरिया बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला. इन ऑर्डर टू फाइंड हेरोन, यूज हेरोन्स फॉर्मूला, वी नीड एस. एस क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. तो ये आपने खुद ऐड कर लेना है. ए इज 5, बी इज 5, सी इज 1. 5 प्लस 5 प्लस 1 11 अपॉन 2, एंड 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर्स. एस निकाल लिया, एरिया हेरोन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एस, एस माइनस ए, 5.5 माइनस ए, देन एस माइनस बी, बी इज अगेन 5, एस माइनस सी, सी इज 1. फाइव पॉइंट फाइव माइनस फाइव ये आ जाएगा 0.5, मल्टीप्लाई अगेन 5.5 माइनस 5 0.5 मल्टीप्लाई 5.5 माइनस 1, इट विल बी 4.5. यहाँ पे भी हम पेयरिंग कर सकते हैं, पर टाइम सेव करने के लिए मैं यहाँ पेयरिंग नहीं करूंगा, मैं कैलकुलेशंस करूंगा यहाँ पे. इनको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, चलिए जितनी पेयरिंग हो सकती है उतनी कर लेंगे. देखेंगे 0.5 × 0.5, ये तो हमारे पास स्क्वायर बन रहा है. या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं 0.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई. नाउ वी हैव 5.5 × 4.5. तो चलिए इनको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ. हम चाहें तो यहाँ पे भी पेयरिंग कर सकते हैं. 5.5 को 55 upon 10, 4.5 को 45 upon 10. तो 5.5 × 4.5 ये हमारे पास आ रहा है 24.75. 5.5
मल्टीप्लाई 4.5। नाउ 0.5 स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट के बाहर हमारे पास आ जाएगा 0.5 इंटू 24.75। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप 24.75, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 4.97। 4.97। अब आप ऐसा करेंगे, स्क्वायर रूट हमने ले लिया तो एट द एंड 4.97 मल्टीप्लाई 0.5, दिस इज 2.49 लिख सकते हैं आप, या फिर 485 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने यहाँ फर्स्ट फिगर का एरिया फाइंड कर लिया। नाउ सेकेंड वन, दिस वन इज सेकेंड वन, शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ फिगर टू, ये रेक्टेंगल शेप है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ रेक्टेंगल। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो आप देख रहे हैं दिस इज गिवन लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ इज 6.5 इनटू ब्रेथ इज 1, सो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट का भी हमने फाइंड कर लिया, थर्ड पार्ट को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, पहले हम फोर्थ और फिफ्थ का कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए फोर्थ और फिफ्थ क्या है, इफ दिस वन इज एन एरोप्लेन, एरोप्लेन के जो विंग्स होंगे वो दोनों बराबर होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि एक छोटा ही एक बड़ा, तो ये आपको स्ट्रेट नजर आ रहा है, ये आपको स्ट्रेट नजर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, ओके 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो जब ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो इन दोनों साइड्स में से एक को बेस और एक को एल्टीट्यूड हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको बेस लिखता हूँ, ट्राइंगल के अंदर ये पोर्शन है, इसकी लेंथ गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, दिस वन इज 6 सेंटीमीटर, अगर ये बेस है तो ये एल्टीट्यूड होगा, सो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, सिमेट्रिक है। ऐसा करते हैं, एरिया ऑफ फिगर 4, अगर ये 6.5 है, 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, तो ऐसा करेंगे इट विल बी 1/2, ट्राइंगल है ये, बेस एक साइड को बेस कंसिडर किया, एक को एल्टीट्यूड कंसिडर किया, नाउ 2 × 3 ये 6 होगा, 1.5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर फिगर 4 का एरिया 4.5 है तो फिगर 5 का भी इतना ही होगा, सिमिलरली एरिया ऑफ फिगर 5 कितना होगा, इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1, 2, 3 नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ फिगर 3। आप देख रहे हैं दिस वन इज फिगर 3, फिगर 3 इज अ ट्रेपेजियम, अगर ये ट्रेपेजियम है ऑल द फोर साइड्स आर गिवन, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एल्टीट्यूड, दीज टू साइड्स आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं, इनमें से एक 1 है दूसरी 2 सेंटीमीटर, बट वी डोंट हैव एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड्स, तो उसके लिए हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना होगा, एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद इसे सॉल्व करना है। देखिए यहां हम कंस्ट्रक्शन लेंगे, इसके पैरेलल ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जब कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं तो मैं डॉटेड लाइन में इसको ड्रॉ कर रहा हूं, एंड यहां से हम एल्टीट्यूड भी ड्रॉ करेंगे। ऐसा करते हैं फिगर 3 जो है इसका नाम रख लेते हैं ए बी देन सी डी ई एफ, ये नाम रखती है, हमने क्या किया डी ई पैरेलल टू ए बी ड्रॉ किया एंड डी एफ परपेंडिकुलर टू बी सी ड्रॉ किया, लिखेंगे इन फिगर 3, नाम रखा इसका
ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ओके हमने क्या किया, ड्रॉ डी ई पैरेलल टू ए बी, ड्रॉ डी ई पैरेलल टू ए बी एंड डी एफ परपेंडिकुलर टू बी सी। अब आप ये देखेंगे दीज टू आर ऑलरेडी पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल हो गई, इट मींस ए डी ई बी दिस वन इज अ पैरेललोग्राम। अगर ए डी ई बी एक पैरेललोग्राम बन जाती है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ओके दिस वन इज 2 सेंटीमीटर्स, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो उसके सामने ये भी 1 होगा, ओके देयरफॉर इन पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम, ए डी ई बी, इसमें क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू बी ई, ए डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। वन मोर थिंग, दिस वन इज 2 सेंटीमीटर्स, अगर ये कंप्लीट 2 है उसमें से ये पार्ट 1 है तो रेस्ट ऑफ द पार्ट 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको भी 1 लिख दिया। एंड ई सी 1 सेंटीमीटर्स। इफ वी कंसिडर ट्रायंगल डी ई सी, देखिए ये पैरेललोग्राम है ए डी ई बी, पैरेललोग्राम में ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ये 1 है ये भी 1 हो जाएगा, लिखेंगे यहां पे ए बी इज इक्वल टू डी ई 1 सेंटीमीटर एंड ई सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ट्राइंगल डी ई सी एक साइड 1 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 1 सेंटीमीटर, तीसरी साइड 1 सेंटीमीटर। वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बाय यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला, अदरवाइज दिस वन इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, विच वन, डी ई सी इज इक्वल टू √3 अपॉन 4 साइड स्क्वेयर, ये याद रखना आपको, सिंपली शॉर्ट फॉर्मूला हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, √3/4 साइड स्क्वेयर, साइड कितनी है यहाँ पे 1, तो 1 स्क्वेयर 1 ही आएगा, 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट विल बी सेम √3/4 सेंटीमीटर। रिमेंबर वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ फिगर 3, दिस कंप्लीट फिगर इज फिगर 3 विच इज ट्रेपेजियम शेप्ड, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड। ये जितना भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं वी आर जस्ट फॉलोइंग दिस प्रोसीजर टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस एल्टीट्यूड। अब इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हम ये सारे स्टेप्स ले रहे हैं, सो हमने ट्राइंगल के एरिया निकाला, कितना आ रहा है √3/4, तो ट्राइंगल के एरिया एक और फॉर्मूला भी होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। देखिए एल्टीट्यूड ये है, अब ये कौन सी साइड के ऊपर ड्रॉ है ट्राइंगल की, इस साइड के ऊपर ई सी के ऊपर, 1/2 बेस इज ई सी इंटू एल्टीट्यूड इज डी एफ, डी एफ इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ,
इसके बाद वन बाई टू ई सी, ई सी इज वन, वन बाई टू ई सी इज वन इंटू डी एफ इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन फोर. तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, वन बाई टू मल्टीप्लाई वन, वन बाई टू ही रहेगा. डी एफ इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन फोर, ये मल्टीप्लाई वाली टर्म है वन बाई टू. अगर मैं इसको इस साइड लिखता हूं तो मुझे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा टू अपॉन वन बाय कैंसिलेशन. टू वन जा टू, टू टू जा फोर. डी एफ इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू. हमने फाइंड कर लिया डी एफ, दैट इज एल्टीट्यूड. अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ फिगर थ्री. फिगर थ्री क्या थी, ट्रेपेजियम. एंड ट्रेपेजियम का एरिया वन बाई टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. आप लिख लेना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू वन बाई टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एल्टीट्यूड. मैं यहां लिख देते हैं पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, एडी एंड बीसी. दीज टू आर पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स एडी प्लस बीसी मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड इज दिस वन डी एफ वन बाई टू. अब ए डी, ए डी इज वन, बी सी इज टू, सो वन प्लस टू इंटू डी एफ. डी एफ अभी हमने फाइंड किया रूट थ्री अपॉन टू, वन बाई टू इंटू थ्री इंटू रूट थ्री अपॉन टू. यहां से क्या आ रहा है हमारे पास रिजल्ट, थ्री अपॉन फोर. थ्री अपॉन टू मल्टीप्लाई टू फोर इंटू रूट थ्री. तो यहां लिखेंगे थ्री अपॉन फोर रूट थ्री की वैल्यू 1.7 अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं. सॉल्व कर लें, ओके हम ऐसा कर रहे हैं 1.73 वैल्यू ले रहे हैं. 1.73 मल्टीप्लाई थ्री क्या रहा 5.19 डिवाइडेड बाय 4. जब इसको करेंगे 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया फाइंड कर लिया हमने. 1.29 थ्री भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस एरोप्लेन. तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ एरोप्लेन. जितना एरोप्लेन का एरिया आएगा उतना ही एरिया ऑफ पेपर यूज्ड होगा. ओके पेपर यूज्ड मींस एरोप्लेन. एरोप्लेन इज वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, सारे के सारे एरियाज को प्लस करेंगे. सो फर्स्ट वन वाज 2.485 प्लस सेकेंड वन, सेकेंड वन इज 4.5, थर्ड इज अगेन 4.5, देन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड वन 6.5, देन थर्ड एंड फोर्थ. यहाँ हमने फोर्थ निकाला था, दिस वन इज फिफ्थ. थर्ड अभी हमने कैलकुलेट किया, थर्ड इज 1.29, 1.3 भी लिख सकते हैं इसको, प्लस 1, 2, 3 थर्ड वन इज 1.29, फोर्थ दिस वन इज 4.5 प्लस फिफ्थ इज अगेन 4.5. अब इन सबको हम ऐड करेंगे. वी हैव 2.485 प्लस 6.5 प्लस 1.29 प्लस
4.5 plus 4.5. This is coming out to be 19.275 सेंटीमीटर स्क्वायर एज पर और कैलकुलेशन. हमारी जो कैलकुलेशन है वो इतना एरिया शो कर रही है. और इसी को आप अगर अप्रोक्सीमेट करते हैं यू कैन राइट इट एज 19.228 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 5. वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं आप. वेरी स्पेशल क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.12.2 इज कंप्लीट. थैंक यू.